हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रियल मी C65 फ़ोन है, तो रियल मी C65 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में अदर्स फाइल्स वगैरह को आप डिलीट कैसे कर सकते हैं, और फ़ोन में अदर फाइल्स को आप कैसे डिलीट कर पाएंगे, और कैसे अपने फ़ोन से डिलीट करके हटा सकते हैं अदर्स फाइल्स को। तो आज हम बताने वाले हैं कि अदर्स फाइल को आप डिलीट कैसे कर पाएंगे और कैसे डिलीट कर सकते हैं हमें रियल मी C65 फ़ोन में। तो बताने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आप देखते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से पहुँच जाएगी। तो अदर्स फाइल को आप कैसे अपने फ़ोन में डिलीट कर सकते हैं, तो सिंपली देखते हैं अबाउट फ़ोन पे जाकर आप स्टोरेज एंड इस पे जाते हैं, तो यहाँ से क्लीन अप करके अपने अदर्स फाइल को क्लीन करके डिलीट कर सकते हैं। जो भी अदर्स स्टोरेज होगा आपके फ़ोन का, उसको यहाँ से क्लीन करके आप डिलीट कर पाएंगे, और अपने फ़ोन से जो भी स्टोरेज है आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएगा, और यहाँ से अदर्स फाइल को डिलीट कर पाएंगे। और चाहें तो यहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं अदर्स फाइल को। क्लीनर पे जाकर आप किसी भी फाइल्स को सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं, जैसे सेलेक्ट कर लिया है इस तरीके से सेलेक्ट करके आप डिलीट कर पाएंगे अपने फ़ोन में। जिस भी फाइल्स को डिलीट करना है, बस थ्री डॉट पे जाना है, सॉरी मूव टू डस्टबिन पे जाना, और यहाँ से डिलीट करती है अदर्स फाइलें आपके फ़ोन में डिलीट हो जाएंगी। यहाँ से व्यू पे जाकर इनको परमानेंटली भी आप डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से अदर्स फाइलें आपके फ़ोन में डिलीट हो जाएंगी और आपके फ़ोन से हट जाएंगी। तो इस तरीके से भी अदर्स फाइल्स को आप डिलीट कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं रियल मी फ़ोन में। अदर्स फाइल आपके फ़ोन से डिलीट हो जाएगी, हट जाएगी, जो आपके फ़ोन से शो नहीं करेगी। तो इस तरीके से अदर्स फाइल को आप डिलीट कर सकते हैं रियल मी C65 फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।